सांगवत में नववर्ष की खुशियां मंगलवार को पुलिस ने गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के बीच मनाई। पुलिस प्रशासन ने मंगलवार को अनूठी पहल करते हुए गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े एवं अन्य चीजें वितरित की। अधिकारियों ने वस्त्रों का वितरण किया तो पुलिस कर्मी गरीब परिवारों के बच्चों के साथ आतिशबाजी चलाकर नववर्ष की खुशियों में शामिल हुए। गर्म कपड़े पहनकर सर्दी से कपकपाते गरीब बच्चों के चेहरे भी राहत की खुशी झलक उठी। बढ़ते शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए कोटा ग्रामीण एसपी राजेंद्र दुष्यंत के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों ने गर्म कपड़े व सर्दी से बचाव के लिए अन्य जरूरी चीजें बांटी। यह पहला मौका है जब पुलिस ने सामाजिक सरोकार को निभाते हुए गरीब परिवारों की मदद का बीड़ा उठाया। पुलिस उपाधीक्षक रामेश्वर परिहार, थानाधिकारी धनराज मीणा समेत थाने का पूरा लाहू जामा उजाड़ नदी की पुलिया पर पहुंचा। यहां पुलिस कर्मियों ने सड़क किनारे तिरपाल एवं टाट की छतों से बनी झोपड़ियों के सहारे जीवन गुजार रहे परिवारों के बीच पहुंचकर पुलिस अधिकारियों ने परिवारों का दर्द साझा किया। अधिकारियों ने बच्चों को स्वेटर व सिर पर पहनने के लिए टोपे तथा महिला व पुरुषों को कम्बलों का वितरण किया। इस बीच पुलिस कर्मियों ने इस परिवारों के गरीब आतिशबाजी चलाकर नववर्ष की खुशियां मनाई। गर्म कपड़े पाकर जरूरतमंद लोगों के चेहरे पर खुशी झलक उठी। बाद में पुलिस कर्मियों ने जल परोड़ पर भी सड़क किनारे जीवन बसर कर रहे कई परिवारों को गर्म कपड़े एवं अन्य जरूरत की सामग्री वितरित की। पुलिस के इस कार्य की कई लोगों ने सराहना भी की।